अम्मा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए? अम्मा, मेरी सहेली की शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना है, तो कुछ उसकी शादी के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं, कुछ मुझे अपने लिए जो है एक दो ड्रेस खरीदनी है, जिसके लिए मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। अरे बहू, अब ये कार्ड कहाँ से आ गया? अम्मा, ये शादी का कार्ड आया है, मेरी बचपन की सहेली है, उसी की शादी का कार्ड है ये, और उसने ना मुझे फोन पे भी कितनी बार बोला है कि मेरी शादी में जरूर आना, जरूर आना। वो मेरी शादी में ना अम्मा 2 दिन पहले आ गई थी। हाँ हाँ बहू, तू भी जरूर चली जाइए। अरे एक काम कर, माया अपने कपड़े खरीदने जा रही है, तू भी साथ में चली जा। तुझे जो चाहिए वो लेकर आ जाइए, दोनों चली जा। अरे अम्मा, क्या बात कर रही हो, और भाभी के पास तो इतनी सारी साड़ियाँ रखी हुई है, उनमें से कोई सी पहन लेगी ना। और मैं भाभी के साथ नहीं जा रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी। हमने प्लान बनाया है, सारे दोस्त मिल के जाएंगे जहाँ पे भी हमें जाना है। अरे अम्मा, रहने दो ना, दीदी सही तो बोल रही है, मेरे पास तो मेरी शादी की बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई है, मैं उनमें से ही कुछ पहन लूंगी। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने मुझे ना जाने के लिए बोल दिया, बस मुझे और क्या हुआ, मैं उन्हीं में से कोई ना कोई साड़ी पहन लूँ। हाँ हाँ मुझे पता है माया, इतनी सारी ड्रेस रखी, उस ड्रेस में से तूने एक भी ड्रेस नहीं पहनी। कह रही मम्मी, जो एक बार शादी में ड्रेस पहन ली, दोबारा ड्रेस नहीं पहननी चाहती, आजकल वो जमाना चल रहा। बहू की जितनी साड़ियाँ रखी, बहू ने सारी पहन रखी, जब तूने ड्रेस पहन सकती तो बहू उन साड़ियों को कैसे पहन लेगी। तो बहू को अपने साथ लेकर जा, शॉपिंग करवा के ला, जो उसे चाहिए वो दिलवा के ला, अपनी नई ड्रेस खरीद देगी, बहू की भी नई साड़ी लेकर आएगी। अरे अम्मा, साड़ी को कौन इतना ध्यान देता है, और वैसे भी बहू और बेटी ना थोड़ा सा फर्क होता है, तो इतना बिल्कुल वो मत करिए कि बिल्कुल जैसे बेटी का दिलाओगे ऐसे ही बहू का दिलाओगे, थोड़ा सा फर्क होता है इनमें। कोई फर्क नहीं होता दीदी, फर्क सिर्फ सोच का होता है। जिस दिन बहू और बेटी के बीच में फर्क करना बंद हो जाएगा ना, उसी दिन एक बहू सास को माँ और सास एक बहू को बेटी मानने लगेगी, ये सारा फर्क उसी दिन खत्म हो जाएगा। और आप तो दीदी फर्क की बात करिए ही मत ना, क्योंकि आपको ना शादी करके सास के घर ही जाना है, तो ये फर्क की बात है जो आज आप यहाँ पे बोल रही हो ना, वो कल आपके सामने आने वाली बात है, तो इतना फर्क मत करिए। हाँ माया, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तुझे अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाना, अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना, लेकिन जब कभी तुझे ज़रूरत पड़ती थी ना, तो भाभी ही तेरे काम आती थी। भाभी मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो, भाभी मुझे गर्म गर्म खाना दे दो, भाभी मेरे लिए चाय बना दो, भाभी मेरे कॉलेज का थोड़ा सा काम पड़ा है वो कर दो, भाभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है मेरा सर दबा दो, भाभी ये कर दो, और वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी छोटी बहन समझ के ना तेरा सारा काम करती थी। अम्मा आप सही बोल रही है, दीदी मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह है, और क्या हो गया, छोटा भाई बहन तो ऐसे ही करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। दीदी आप जाइए, तैयार हो जाइए, आप चले जाइए शॉपिंग पे, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, ठीक है, जाए। अम्मा भाभी आप लोग ना सही बोल रहे हो, मतलब मैं इस जमाने की होकर भी इतने पुराने जमाने की बातें कर रही हूँ, और अम्मा इतने पुराने जमाने की होकर भी ना बहू बेटी में फर्क नहीं कर रही, तो आज के जमाने में जी रही है, आई एम सॉरी। हाँ हाँ बस रहने दे। अच्छा अपने भाभी को लेकर जा, अच्छी सी एक साड़ी दिला कर के ला, ठीक है। कभी कभी तू भी बड़ी छोटी बहन होने का फर्ज निभा लेकर, वो हमेशा बड़ी बहन होने का फर्ज ही निभाती रहती है, जाओ। हाँ अम्मा, और भाभी आप क्यों खड़ी हो, जल्दी से जाओ, तैयार हो के आओ, मुझे देर हो रही है, शॉपिंग के लिए जाना है। और अम्मा आज ना पैसे काफी सारे देना, क्योंकि आपकी दो दो बेटियां शॉपिंग करने जा रही हैं, मुझे काफी सारे पैसे चाहिए, भाभी जल्दी। जी दीदी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर दोनों बहनें चलेंगी और जम के शॉपिंग करेंगे, ठीक है, चलते हैं। कौन कहता है कि सास बहुत बुरी होती है? अगर हम सास को माँ की तरह समझे और माँ की तरह प्यार करें, तो एक सास भी हमें बेटी की तरह ही प्यार करेगी।